सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैम छो बजा, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि ये कितना खूबसूरत ऑरेंज रोज़ बना हुआ है। ये रोज़ आसानी से बनकर रेडी हो जाता है, और आप ऐसे बहुत सारे रोज़ेस बनाकर अपने फ्लावर वास में लगा सकते हैं। कुछ इस टाइप की लकड़ी और ये कुछ ग्रीन कलर के लीव्स बनाकर ये बहुत सुंदर दिखते हैं। और आप अपने मम्मी पापा को या अपने फ्रेंड्स को उनकी बर्थडे पार्टी पे या फिर एक गिफ्ट में दे भी सकते हैं। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि इस फ्लावर को कैसे बनाना है। तो गाइज, ये वाला फ्लावर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी A4 साइज़ पेपर्स की। ये हम दो पेपर्स ले रहे हैं, कोई एक कलर के दो शेड। जैसे मैंने यहाँ पर डार्क ऑरेंज और लाइट ऑरेंज लिया हुआ है, आप इसी तरीके से डार्क येल्लो और लाइट येल्लो भी ले सकते हैं। ग्लू की, सीजर्स की और एक राउंडर की। तो चलिए देखते हैं ये फ्लावर को कैसे बनाना है। तो गाइज, अब हमें क्या करना है कि दोनों पेपर्स का यूज़ करके और राउंडर और सीजर का यूज़ करके एक साइज के चार सर्कल्स कट कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार सर्कल्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक सर्कल लेके उसको हाफ मोड़ देंगे, फिर वापस से इसको हाफ मोड़ेंगे और एक और बार हाफ मोड़ेंगे। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से राउंड शेप कट कर देंगे, जैसा फ्लावर्स में फ्लावर्स के पेटल्स में होता है, कुछ इस तरीके का राउंड शेप। ये एक पीस आपको कट करने के बाद कुछ इस तरीके का मिलेगा। ऐसे ही आपको सभी पीसेस में करना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमने हमारी चार पेटल्स रेडी कर ली हैं। अब इन्हें हम खोलेंगे, और खोलते वक्त आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंदर तक इधर कट लगा देना है, कुछ इस तरीके से। इसी तरह हम सभी तरह पे सभी साइड पे कट लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसी तरह सब पीसेस में कट कर लेते हैं। तो गाइज, इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक पीस में पूरा हाफ कट कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से। ये स्टेप आप बिल्कुल ध्यान से बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा। एक पीस को हमने एकदम सेंटर में से फुल कट कर दिया। अब हमने जैसे ये डार्क कलर लिया है, तो अब हमें लाइट कलर लेना है और इसे इसके थ्री पीसेस ही काटने हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 5 पीसेस और 3 पीसेस हुए हैं, यहाँ पर 4 और 4 हुए। अब यहाँ पर डार्क कलर में 2 पीसेस कट करने हैं। जिस तरीके से और लास्ट पीस में सिर्फ सिंगल पीस कट करना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमने सभी हमारे पीस को कट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इन सभी पीसेस को कर्व देना है। तो कर्व कैसे देंगे, हमें हमारी सीजर लेनी है और कुछ इस तरीके से इसे रखते हुए यहाँ से ऐसे खींचना है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक कर्व आ चुका है। इसी तरीके से हमें सभी पीसेस में कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो गाइस, हमारे सभी पीसेस
में एक और फोल्ड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे 8-7 पीस वाले पीस को लेंगे और फेविकॉल लेंगे और हमारी फिंगर में कुछ इस तरीके से थोड़ा सा फेविकॉल लेते हुए जो एक कॉर्नर होता है, जैसे यहाँ पर कट है तो ये वाली एज पर हम एकदम पतली लेयर में फेविकॉल लगा लेंगे कुछ इस तरीके से और इस पीस को यहाँ पर स्टिक कर देंगे। आपको बिल्कुल पतला ही स्टिक करना है, ज़्यादा पीस अंदर स्टिक नहीं करना है। ये स्टिक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है तो आप आपके किसी बड़े के साथ बैठ कर ये करेंगे। इसी तरीके से हम सभी पीसेस में स्टिक कर देंगे और यहाँ पर ये स्टिक पूरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बीच में एक कट भी रख देना है। इसी तरीके से हम सब पीस में करते हैं। गाइज लास्ट पीस में आपको क्या करना है, आपकी सीजर लेनी है और इसे कुछ इस तरीके से किसी भी एक डायरेक्शन में फोल्ड कर देना है, हॉरिजॉन्टली ऐसे हाफ में फोल्ड कर देना है तो ये आपको स्टिक करने में थोड़ा इजी रहेगा। गाइज आप देख सकते हैं कि हमने हमारी सभी पेटल्स को स्टिक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी 7 लेयर वाली पैटर्न लेंगे तो उसमें पीछे से कट लगा देंगे। हमें बहुत छोटा सा कट लगाना है तो यहाँ पर आपको एक होल मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि हमारी जो वेस्ट लेयर थी उसका थोड़ा सा पीस काटना है और यहाँ पर नीचे रखना है और यहाँ पर रख के उसकी जो साइड लेयर होती है वहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा देना है। और जो 7 पेटल्स वाली जो लेयर होती है, 6 पेटल्स वाली जो लेयर होती है उस लेयर को लाकर कोई एक पीस को आपको यहाँ पर कट के ऊपर रख के इस पीस को ऐसे प्रेस कर देना है। अच्छे से स्टिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर अंदर थोड़ा सा ग्लू रख के आपको 5 पेटल्स वाली लेयर लेनी है और उसे रखते हुए यहाँ से प्रेस कर देना है। और फिर 4 पेटल्स वाली लेयर को लेना है, ग्लू लगाना है और इसे स्टिक कर देना है। फिर 3 पेटल्स वाली लेयर लेनी है, ग्लू लगाना है, जिसे स्टिक करना है। अब गाइस आपके फिंगर अंदर नहीं जा पाएगी इसलिए आप कुछ पेन या फिर स्केच पेन लेके इसे प्रेस कर सकते हैं। फिर फिंगर से अच्छे से प्रेस कर देना है। अब हमें 3 लेयर वाली हो चुकी है। अब हम 2 पेटल्स वाली लेयर लेंगे, उसमें ग्लू यहाँ पर भी लगा सकते हैं या अंदर भी ग्लू लगा सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ग्लू नहीं लगाना है, इसे हमें कट करना है थोड़ा सा ताकि अंदर जा सके और अंदर डाल के हमें थोड़ा सा प्रेस कर देना है। फिर गाइज हमें लेयर 1 लेनी है और इसे थोड़ा सा कट करके अंदर थोड़ा सा ग्लू लगा के इस लेयर को भी अंदर डाल देना है और
स्केच पेन या फिर कोई पेन की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर देना है। और जो पेटल्स मुड़ चुकी हों उन्हें थोड़ा सा सही कर देना है। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। ये फ्लावर कितना इजीली बन गया, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसे बहुत ही जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है, और आप हमारी वीडियोस में से फ्लावर अलग अलग फ्लावर्स देख के आप एक फ्लावर वास भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट पीस है उसके नीचे हमने जो छोटा सा पेपर लगाया था उस पेपर को एक्स्ट्रा पीस हम कट भी कर सकते हैं। सब देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।